नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी YouTube चैनल में वेदांत दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये एपिसोड है श्रुति के ऊपर, अर्थात सुनना। कान से जो हम सुनते हैं उसके द्वारा किस प्रकार, उसके साथ मंत्र भी लिंक्ड है, उसके साथ ही भाषा बाद में आया, तो ये सब चीजें मैं पुनः स्वागत करूंगी आज के एपिसोड में ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर को, जो काशी से जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम में। सर स्वागत है, अभिनंदन आपका। और आज फिर उजागर करिए ये श्रुति और सुनना, इसके ऊपर में वेद में किस प्रकार से ये वेदों से आया और क्या उसकी रेलेवेंस है इसके साथ में, और कितना ये महत्वपूर्ण है। जी, जी सर, ये फिर इस बार भी आपने एक अच्छा विषय उठाया है संघमित्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि तो अच्छा विषय, अच्छा प्रश्न ये उठाना, ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये जो श्रुति शब्द है ये संस्कृत का शब्द, जी और संस्कृत के तीन शब्द जो हैं वो पूरे संस्कृत विद्या वाङ्मय के पिवोटल टर्म्स है। एक है पश्य, एक है श्रव्य और एक है वेद। पश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना और विद माने जानना। जानना। इन तीन शब्दों को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो पूरा संस्कृत साहित्य जानना हो जाता है, सारा वेद पढ़ना हो जाता है सिर्फ इन तीन शब्दों को जानने से। तो हम लोग इसमें से एक शब्द आज ले रहे हैं, सुनना, जी श्रव्य, है ना। और श्रव्य कब श्रुति बनता है इसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो श्रव्य जो है संस्कृत का शब्द, इसका मतलब है सुनना। ये वर्बल टर्म है ना, मतलब जाना, आना, खाना, सुनना, ये क्रिया है ना, इसका क्रियापद अर्थ है हाँ सुनना, अच्छा, एक वर्ब है, क्रिया वर्ब है। है। हाँ और इसको बताने की जरूरत नहीं कि सुनना किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग सुनते रहते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, चिड़ियों की आवाज सुनते हैं, लोगों के शब्द या अपशब्द सुनते हैं, कान सुनता रहता है। तो ये जो हम लोग सुनते हैं ये तो नेचुरल फैकल्टी है हमारे भीतर की, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद आदि आदि, है ना, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, कोई बहुत महान काम नहीं करते कि हम सुनते हैं। जैसे कान सुनता है, हम तो कुछ नहीं करते, आंख देखता है, कान सुनता है, माइंड इसको नरेट करता है। माइंड यदि नहीं है तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कान हमें देगा, कान माइंड को देगा, माइंड यदि नहीं है तो किसे देगा? आंखें अब सारे इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की या जो रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है वो किसे देगा? जो सूचना है भीतर कोई होना चाहिए ना, भीतर कोई है ही नहीं है। तो इसलिए आंख से आई हुई चीजें, कान से आई हुई चीजें, स्वाद से आई हुई चीजें, स्पर्श से आई हुई चीजें और गंध से आई हुई चीजें, अगर भीतर ये सत्ता माइंड के नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। माइंड है तो फिर हम देखे हुए सुने हुए को नरेट कर सकते हैं, नरेट कर है ना, सकते। ठीक। यहाँ तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो श्रव्य का मतलब सुनना, और उसका मतलब एक क्रिया है जो ऐसा होता रहता है, ये हम नहीं करते, कान करता रहता है। ऑप्टिकल नर्व है, साउंड वेव्स जो है इसके रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करके कान तक आती है। कान की अपनी सीमा है जो इतने डेसिबल तक ही सुन सकती है, उसको हम लोग कहते हैं कि मैं सुन रहा हूं। अब ये जी मैं कौन हूं इसको जानने से ही अध्यात्म शुरू होता है। जब तक ये सवाल नहीं आता है तब तक हम लोग अनजाने में ही बोलते रहते कि मैं सुन रहा हूं, है ना। कान जी सुन रहा है ये हम लोग नहीं बोलते, कान का काम है सुनना, वो अपना काम कर रहा है, बहुत सीधी सी बात, ठीक है। अब यहां से जब हम लोग वेदांतिक जो घर है उसमें प्रवेश करते हैं, वेद के घर में प्रवेश करते हैं, तो यहां से ये बात आती है कि सुन कौन रहा है। जी जो शरीर में जो आदमी बोल रहा है मैं सुन रहा हूं, वो या कोई और अगर कोई और है तो वो कौन है? और ये जो आदमी बोल रहा है कि मैं सुन रहा हूं वो कौन है? तो पहले हम लोग इसको देख लें कि जो बोलता है कि मैं सुन रहा हूं वो मैं कौन। तो जब हम लोग ये देखने जाएंगे
कि मैं कौन है, तो पता चलेगा कि माइंड रिसीव कर रहा है, माइंड जो है वो पास्ट है, माइंड जो है वो थॉट है, माइंड जो है वो टाइम है, ठीक है। तो ये माइंड सुन रहा है और उसको पास्ट में ट्रांसलेट कर दे रहा है, जो अभी प्रेजेंट में सुना जा रहा है, कान इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको माइंड पास्ट में ट्रांसलेट कर दे रहा है, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट का सेंस ही नहीं। जी, तो अच्छा हम लोग ऐसे एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लें, बाद में वो एग्जाम्पल बाद में भी काम आता रहेगा। जैसे हर इंसान जो है वो खुशी चाहता है, हैप्पीनेस, डिलाइट। जी तो उसको जिस भी अनुभव से एक बार खुशी मिली होती है, हैप्पीनेस मिला होता है, कोई अनुभव हो सकता है उसको, किसी भी चीज में हो सकता है, बहुत सारा अबीर उड़ाने से उसको खुशी मिली हो, पतंग उड़ाने से खुशी मिली हो, गाना सुनने से खुशी मिली हो, ठीक है। उस अनुभव को माइंड ने क्या किया, पास्ट बना दिया। जी हम उसको सोचते हैं और हमें उस मेमोरी से खुशी मिलती है, ठीक है। जी अब क्या होता है कि जैसे ही हम उसको याद करते हैं, हम उस खुशी को दोबारा पाना चाहते हैं। दोबारा पाने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, कि आप माइंड की ओर जाएं, आप थिंक करें, आप पास्ट में जाएं, आप मेमोरी में जाएं, आप जी डिजायर करें। ये नहीं होगा तो जो खुशी हमें मिल चुकी है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तभी तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, उसी के पीछे चलेंगे, उसी को क्योंकि वो सोचते जो अनुभव हो गया है वो पास्ट हो गया है, ठीक है। अक्सर रहेंगे। लोग बोलते हैं ना, पास्ट में मत जाओ, माइंड की बात मत सुनो। तो क्यों नहीं सुनो, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दे रहे हैं ताकि सुनना क्लियर हो जाए। तो ये जो हम लोग अनुभव पास्ट हो गया, क्योंकि तो अकबर हमने शायद फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि ब्रेन या मेमोरी से थॉट आता है, थॉट एक्शन होता है, बनता है, एक्शन एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस रीमेमोराइज हो जाता है, स्टोर होस, वी आर कॉट इन द नेटवर्क ऑफ थॉट। ये अगर ऐसा नहीं है तो फिनोमेना नहीं हो। पहले ब्रेन है, मेमोरी, माइंड, वहां से चीजें हम लोग सोचते हैं, थॉट आता है, थॉट आएगा तो एक्शन होगा, हम लोग कर्म करेंगे। बिल्कुल जब भी कर्म करेंगे तो एक एक अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, और वो एक्सपीरियंस क्या होता है, फिर रीमेमोराइज हो जाता है ब्रेन में, वो मेमोरी बन जाता है, ठीक है। अब जो हमको सुख या खुशी मिली है, प्लेजर या डिलाइट, अभी प्लेजर ही बोले, तो हम लोग जैसे ही प्लेजर का एक नेचर होता है कि हम लोग को प्लेजर की ओर भी जाना चाहते हैं फिर से, तो उसके लिए हमें माइंड में जाना पड़ेगा, मेमोरी में जाना पड़ेगा, थॉट करना पड़ेगा और डिजायर करना पड़ेगा। थॉट इज डिजायर। जैसे ही हमको याद करेंगे, हमारा मन करेगा काश वो चीज फिर करे, काश वो फिर होता, और उसके लिए हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन नेचर ने भी अपना खेल दिखा दिया, नेचर का काम है चेंज करना, उसने सीन को चेंज कर दिया है। तो जी जहां पर पहले एक पेड़ होता था वहां दीवार है, जहां हाँ पर पहले पहाड़ होता था वहां समुद्र है, जहां पर कोई पुरुष होता था वहां स्त्री है, जहां पर जो स्त्री होती थी वहां कॉकरोच है, चेंज हो रहा है ना। तो क्या हुआ कि हम जिसको डिजायर किए, थॉट थिंक किए, क्योंकि डिपेंड हुए माइंड पर, डिपेंड हुए पास्ट पर, डिपेंड हुए प्रेशर पर, डिपेंड हुए हम जो घट चुका है उस अनुभव पर। जी अब जब हम डिजायर करने जा रहे हैं, फिर से करने जा रहे हैं, उसको पाना चाह रहे हैं, डिलाइट को, तो बदल चुका है, हो नहीं सकता। बिल्कुल जैसे कि हम लोग बचपन में जिस घर में रहे हैं वहां जाने का मन करता है, बचपन में हम लोग खेले हैं, पढ़े हैं, सब कुछ किए हैं, वहां जाके देखते हैं कि वो घर फ्लैट में बदल गया, कोई और रहता है, क्योंकि तो बहुत पहले हम लोगों ने छोड़ दिया है ना, कितना दुख मिलता है। तो जिस चीज से हमें सुख मिला है उसी से दुख मिलता है, एकदम क्लियर है कि क्यों मिलता है, क्योंकि चेंज है, व्यक्ति बदलता है, वस्तु बदलता है और विचार बदलता है, ठीक है। कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट और पर्सन, ये तीन चीजें ही होती है, इसके अलावा माइंड कुछ और सोच ही नहीं पाती, तीन ही चीज सोचती है, किसी आइडिया पर सोचती है, या किसी व्यक्ति पर, या किसी वस्तु। तो हम लोगों ने जब डिलाइट को फिर से पाने के लिए, फिर से हैप्पीनेस को पाने के लिए, हम जब मेमोरी में गए, ठीक है, हम जब प्रेशर की मेमोरी में गए, थिंक जी किया यानी कि डिजायर किया, वो जब नहीं मिलता है दुख होता है, और डिलाइट को पाने का आधार वही है, मेमोरी है, प्रेशर या माइंड। क्योंकि वही हाँ अगर इससे फिर से खुशी मिलती है तो वो डिलाइट, जी ये माइंड पर डिपेंड। जब माइंड नहीं रहा, जब माइंड नहीं रहता है, क्योंकि अब हम लोग वेदांत के घर में आ गए हैं, जब माइंड नहीं रहता है तो जो खुशी मिलती है उसको ब्लिस कहते हैं। जी
तो जब हम लोग माइंड पर डिपेंड करते हैं खुशी के लिए तो वो डिलाइट है, जब हम माइंड पर डिपेंड नहीं करते तो ब्लिस है। ब्लिस के जी बारे में कोई इमेज या धारणा बनाने की जरूरत नहीं है कि ब्लिस एक स्पिरिचुअल टर्म है लाइक एक्सटेसी, और ये कुछ तुरिया अनुभव होता है साधकों को, योगियों जैसा आनंद मिलता है, ये हम लोग कल्पना करते हैं ना, कोई जरूरत नहीं कल्पना करने, हाँ, एकदम वो अपने रियल आप वर्ल्ड है। में आप माइंड के साथ, हाँ आप माइंड के साथ रहेंगे डिलाइट होगा, माइंड के साथ रहेंगे तो आपको पास्ट में जाना होगा, फ्यूचर में जाना पड़ेगा, पिछले अनुभव में जाना पड़ेगा, थॉट और डिजायर करना पड़ेगा जिसमें आपको दुख मिलना ही है। और अगर आप माइंड नहीं करते हैं, माइंड को हटा के जीवन जीते हैं, तो आपके पास वही डिलाइट जो आप ब्लिस बन चुका है, एक्सटेसी है, वो कांस्टेंट है, इटरनली है। तो कैसे, ठीक है, अगर हम एक सिद्धांत अभी बना रहे हैं कि माइंड पर डिपेंड करके आप हैप्पीनेस चाहते हैं, तो दुख भी आएगा या दुख ही आएगा। आएगा, लेकिन जब माइंड के बिना आप जीवन जी रहे हैं, यही फिजिकल फॉर्म में जिस उम्र में अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, तो अब जो खुशी मिलेगी उसमें दुख नहीं मिलने की गारंटी है। ऐसा क्यों, ये कैसे ऋषि मुनियों ने जाना और हमें दिया, और आज हम लोग इस पर बात कर, हमने जी पहले ही बोला ऋषि मुनियों ने जाना, मतलब हम लोग रिकैपिचुलेट कर ले पिछले एपिसोड की बातें, कि हम लोग गुरु शिष्य परंपरा गुरुमुखी विद्या पर बात किए थे, उसमें हम लोग ने कहा था कि वेदांत का जो मतलब है वही गुरु का मतलब है, वेदांत का जो काम है वही गुरु का काम है, वेदांत की जो भूमिका है वो गुरु की भूमिका है, यानी उपनिषद का मतलब, वेदांत का मतलब, गुरु का मतलब एक ही, अंधकार को हटाना, जी और जो हमें देता है वो दीप्त होता है, जो देता है वो कंट्रीब्यूट करता है, उसका अवदान होता है, जो देता है अवदान करता है कंट्रीब्यूट करता है, वो प्रकृति के एक महाभोज में, फीस्ट में अवदान करता है, प्रकृति के बिल्कुल काम में हाथ बटाता है, इसलिए उसके पास हेल्प आता ही जाता है, आता ही जाता है, वो खाली नहीं हो पाता बिल्कुल उसका जो पात्र है ना, तो जो देता है वो देवता है, वो दीप्त होता है, ठीक, और जो देवता है वही विद्वान है, जो विद्वान है वही ऋषि है, और जो ऋषि है वो कवि, यानी देवता विद्वान ऋषि कवि में कोई फर्क नहीं। जी तो इन लोगों ने भी ये बताया है, अनुभव किया है कि अगर हमको परमानेंट खुशी चाहिए इन परमानेंट वर्ल्ड में, तो हम लोग माइंड का आश्रय छोड़ दें तो हम लोग इटरनल खुशी के साथ बह सकते हैं, रह सकते हैं, सकते हैं है ना, जी, ठीक। बिल्कुल अब बिल्कुल जो सर। है तो जब हम माइंड के थ्रू नहीं सुनेंगे, अभी होगा ना, माइंड के थ्रू हम लोग प्लेजर नहीं लेंगे, जी माइंड के थ्रू हम लोग खुशी नहीं लेंगे, हम लोग फिर बिना माइंड के लेंगे, नो माइंड के थ्रू लेंगे, नो माइंड के थ्रू खुशी लेना क्या है, इस पर बात कर रहे हैं। जब नो माइंड होगा तो हम लोग तो सुनेंगे क्या, माइंड अगर नहीं है, कान ने सूचना लाके दी, सामने वाला कुछ बोल रहा है, गुरु बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है, वो सुना हुआ चीज तो बेकार हो जाएगा ना, अगर माइंड नहीं है तो, क्योंकि माइंड की वजह से हम लोग सुन पाते, मतलब समझ पाते हैं। ब्रेन अब सिग्नल यहाँ देंगे आप से, अभी। हाँ अब यहाँ से शुरू होता है गुरु, अब यहाँ से शुरू होता है वेदांत, जब जी माइंड नहीं रहता है तो हमारी ओर से कोई और सुनता है, हाँ जब माइंड नहीं सुनता यानी कि मैं नहीं सुनता, जब अहंकार नहीं सुनता है तो हमारी ओर से कोई और सुनता है, जो सुनता है वो सियर है, ऋषि है, जो सुनता है वो श्रोत्रिय कहलाता है, जी और अब सुनना जो है वो शब्द से श्रुति बन चुका हो, ओके ठीक है, अभी तक सिर्फ सुनना था, जो माइंड सुनता था, माइंड माने इंटेलेक्ट या अहंकार, मैं सुनता हूं, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, है ना, तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जब भी कोई भला बुरा बोले, जब भी कोई अपशब्द बोले, भला बुरा बोलना ही अपशब्द है, कोई जरूरी नहीं कि गाली दी जाए, वही गाली है जब हम गुरु के विरुद्ध बोलते हैं, बिल्कुल जब हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बोलते हैं, उसी के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध बोलना सोचना ही अपशब्द, सिर्फ बिल्कुल गुरु ही नहीं, ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी क्वालिफाई ही नहीं किया और वेदांत पढ़ने आ गए। बिल्कुल मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब यह है, जिसको हम इनिशियल अभ्यास बोल रहे हैं, इनिशियल तपस्या बोल रहे हैं, जिसको आपने किसी एपिसोड में अभ्यास योग की बात की है, मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब या इनिशियल तपस्या का मतलब है कि सामने वाले ने गुस्से में गाली दिया, अपशब्द बोला, और पलट कर हमने गाली नहीं दिया,
क्योंकि वो तो स्वाभाविक है, हम भी गुस्से में बोले, नहीं दिया था तपस्या शुरू हो गई, जी आपने ये बताया कंट्रोलिंग था। शुरू हो गई, बताया था। अब हम ये आगे बोल रहे हैं कि हम जो इनिशियल तपस्या आई उसको थोड़ा और बड़ा बता देते हैं कि शरीर को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, अहंकार को का न होना, हैबिचुअल ओपिनियन का नहीं होना, टेम्परामेंटल लाइकिंग का नहीं होना। हम किसी रिलीजन को मानते हैं, आपके रिलीजन के विरुद्ध हो गए क्योंकि हम तो अपने रिलीजन को मानते हैं, हम अपने जय कृष्ण मूर्ति को मानते हैं, आप जो बोल रहे हो जय कृष्ण मूर्ति के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए हम आपका सुन ही नहीं पाएंगे। तो ये सब हमें सुनने नहीं देते, हमारे अपने डॉगमास जो है या हमारे अपने जो दीवारें हैं ये, जबकि हम वेद पढ़ते हैं, क्योंकि हम वेदांती हैं तो हम जो है जो राष्ट्रीय धर्म का कोई व्यक्ति है या कोई इस्लाम धर्म, उसकी अच्छी बात कैसे सुन सकते हैं, बिल्कुल हमको सुनाई नहीं दे, हमको हम तुरंत विरोध में आ जाएंगे ना। तो हाँ ये हाँ विरोध का न होना, डॉगमास का नहीं होना, हमारा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इनिशियल तपस्या है। जी इसको हमारे यहाँ पेगन वैल्यूज भी कहा गया है, PAGN, पेगन वैल्यूज। ये हेराक्लिटस, सॉक्रेटिस, उनके पास हुआ करता था मॉरल वैल्यूज। तो ओके जो पेगन वैल्यूज हैं दरअसल मॉरल वैल्यूज हैं, जो वेदांतिक मॉरलिटी है, वेदांत के लिए अपने भीतर मॉरल वैल्यूज लाना वो यही है कि हम हमारे पास कोई दीवार नहीं, ताकि आप जो बोले वो हमें सुनाई। इसको इसके लिए सबसे दीवार को हटाने का सबसे आसान तरीका है माइंड को हटाना, क्योंकि माइंड का मतलब थॉट, थॉट का मतलब शब्द, शब्द ही हम लोग सुनते हैं, शब्द का पहला अर्थ है ध्वनि। आप जानते होंगे कि बंगालीज लोग ध्वनि को शब्द बोलते हैं, हिंदी में जी ध्वनि को शब्द नहीं बोलते हैं, वहां पर अक्षरों से बने हुए शब्द को शब्द बोलते हैं, जैसे हंस, अच्छा ठीक है। तो शब्द या ध्वनि को सुनना, तो जो थॉट है, थॉट तो शब्द और ध्वनि से ही बना है ना, इसकी इमेज जी से ही बना है, शब्द हटा लीजिए, ध्वनि हटा लीजिए, इमेज हटा लीजिए, तो थॉट ही नहीं रहेगा। तो नहीं अगर रहेगा शब्द, ध्वनि, इमेज, थॉट हमेशा चल रहा है, यानी कि माइंड चल रहा है, तो सामने जो गुरु बोल रहा है वो हम सुन कहाँ पा रहे हाँ बिल्कुल सर हैं? तो बिल्कुल यानी हमारे पास सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग नहीं है। बिल्कुल हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप बोल लीजिए, जब आप चुप करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। आप देखिएगा ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, ज्यादातर लोग मतलब भीड़, ज्यादातर तो लोग मतलब ऑर्डिनरी माइंड, एवरेज माइंड, एरोगेंट माइंड। इसलिए जब नो माइंड की स्थिति होती है तो एरोगेंट माइंड ट्रांसफॉर्म कर जाता है रेवरेंट माइंड, श्रद्धालु मन में। अब वो सुन सकता है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन आ गई तो सुन सकता है, क्योंकि एरोगेंट माइंड नहीं रहा जो आपको क्रॉस करेगा। आप कुछ बोलने जा रहे हैं उसके लिए माइंड वेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए वेट कर रहा है कि आपको बोलना खत्म हो तो मैं बोलूं। जबकि जो गुरु बोलने जा रहा है उसको उसको सुनने के लिए जरूरी है कि आपका माइंड स्टॉप करे, यानी माइंड वेट करे, यानी नो माइंड, यानी कि कान जो है वो सुनने के श्रव्य स्थिति से सुनने के श्रुति स्थिति में आ जाए। जी श्रव्य माने वो सुनना जो ऑर्डिनरी माइंड सुनता है, श्रुति माने वो सुनना जो सीयर सुनता है। सीयर सुनता है का मतलब हुआ कि मैं अब नहीं सुन रहा हूं, मेरी ओर से सीयर सुन रहा है, सुन रहा है ऋषि सुन रहा है, श्रोत्रिय बिल्कुल सुन रहा है, इसमें श्रोत्रिय एक शब्द आता है ना, श्रोता, श्रोत्रिय ये आता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो लोग वो यज्ञ करते थे, वैदिक यज्ञ, उसमें से एक अग्निहोत्र होते हैं, एक श्रोत्रिय होते हैं, एक होता होता है। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं जो यज्ञ करते हैं। श्रोत्रिय वो होते हैं जो सुन सकते हैं, श्रोत्रिय वही है जो ऋषि है, ठीक है। अब आपको आगे हम लोग चलें इसके, कि ये तो श्रुति हो गया, सुनना हम लोग कब सुन सकते हैं, अगर हमारा माइंड की चैटरिंग बंद, नो माइंड, या श्रद्धालु मन हो या रेवरेंट माइंड। तो जब कोई अपशब्द बोल रहा हो सामने से, या गुरु के बारे में सोच रहा है, सोचना ही तो बोलना है, गुरु के प्रति सोच रहा है, गुरु के विरुद्ध है, या बोल रहा है, या अपशब्द बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति उस समय स्टॉप कर जाए, चुप रह जाए, बोले नहीं, उसकी ओर से ऋषि सुनेगा, यानी कि ईश्वर सुनेगा। और आप जी जानते हैं कि ईश्वर को जो करना हो वो करेगा। बिल्कुल उसके बाद प्रेमचंद कहा करते थे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं। बिल्कुल इसलिए आदमी अगर चुप रहे, शांत रहे, क्वाइट रहे, जो बच्चों कहते हैं ना बी क्वाइट, क्वाइट रहे, मतलब ओम शांति, ओम माने मौन और शांति, तुरंत शांति, क्वाइटिट्यूड है, अगर ये चीज है,
तो उसकी ओर से कोई सुन रहा है, और तब उसे लगेगा कि ये जो हम बोले जा रहे हैं हम नहीं बोल रहे, हमारी ओर से कोई बोल रहा है। आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द स्पीकर, आई एम नॉट द लिसनर, कोई जी बोल रहा है, कोई कहता है, सुनता है गुरु ज्ञानी। ये कबीर की लाइन है ना, जी जी वो कबीर साहब पता नहीं कैसे काशी में होने के कारण आई जाते हैं। सुनता है गुरु ज्ञानी, मतलब मैं नहीं सुन रहा हूँ, गुरु सुन रहा है, ऋषि सुन रहा है, ईश्वर सुन रहा है, गुरु ज्ञानी सुन रहा है, प्रज्ञा ही ब्रह्म है जो एक महावाक्य है वो सुन रहा है, यानी जी प्रज्ञान ही सुन रहा है। इसलिए हमारे यहाँ प्रातिभ ज्ञान कहा गया है प्रज्ञा को, जिसके अंदर प्रतिभा है। कभी हम लोग प्रतिभा पर भी बात करेंगे। तो अब आप बताइए कि हम लोग सुनने के बहुत बड़े विषय को छेड़ तो दिए हैं, तो कि हम लोग पास कितना और समय है इस एपिसोड के लिए, नहीं तो फिर हम लोग अगले एपिसोड में जा सकते हैं, जैसा आप सर, कहें। सर जैसे ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर तो बहुत सुंदर बोला जा सकता है। आप तो इतना अच्छा बोल भी रहे हैं और आप इतना अच्छा सर समझा रहे हैं इस चीज को। इससे मुझे भी ऐसे अनुभव इसमें हो रहा है कि जो बोल रहे हैं, जो मैं खुद बोल रही हूँ इस शरीर से, जो मैं खुद सुन रही हूँ, इसके अलावा देर आर सो मेनी थिंग्स अनहर्ड विच नीड्स टू बी हर्ड। हम लोग यही अभी आएंगे इस पर कि जी जब जी हम लोग माइंड से नहीं सुनते और नो माइंड की स्थिति में आते हैं और कोई और जी सुनता है, तब हमें वो अनाहत नाद ही सुनाई देता है, यहां तक हमें पहुंचना है जी जी सुनने जी में। हम करेंगे सर इसके ऊपर, दूसरे एपिसोड में इसके ऊपर बोलेंगे, क्योंकि और इतने सारे टॉपिक्स हैं आएंगे। मैं थोड़ा सा इसमें से पढ़ना चाहूंगी। आज मेरे सर इस पुस्तक के उसमें से आया जी ये, जरूर, तो इसमें हिंदी में ही है सर, वचनामृत में। उन्होंने कहा है ठाकुर रामकृष्ण जी ने कि सच्चिदानंद ही गुरु है। जो सर सच्चिदानंद आनंद की बात आप कह रहे हैं, मतलब जो मैं वही सच्चिदानंद है, ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद गुरु कौन है? सच्चिदानंद ही गुरु है। और ब्रह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसीलिए ब्रह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। वो जहाँ दक्षिणेश्वर में रहते थे ठाकुर श्री रामकृष्ण, उनके आसपास ब्रह्म भक्त अर्थात जो केशव सेन, उस समय के जो ब्राह्म समाज के लोग थे, उन लोगों के साथ में एक तर्क हो रहा था सर। तो एक कोई एक ब्रह्म भक्त थे और ठाकुर रामकृष्ण देव, इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन थोड़ी सी, और वो मैं कोट ही कोट ही कर रही हूँ इसमें, जो मैं पढ़ रही हूँ उस पुस्तक से ही पढ़ रही हूँ। तो ब्रह्म भक्त पूछ रहे हैं, महाराज गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा? ज्ञान न होगा। और ठाकुर श्री रामकृष्ण की ये उत्तर है, सच्चिदानंद ही गुरु है। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे, तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस गुरु रूप को धारण किया है। गुरु बिल्कुल मानो सखा है, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। तो फिर थोड़ी देर बाद संध्या हुई, क्योंकि जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था मास्टर मोशाई, वो मास्टर थे, टीचर थे, श्री महेंद्रनाथ गुप्ता, विद्याशागर स्कूल के, वहां के वो मेट्रोपॉलिटन गुप्ता। स्कूल के टीचर थे ना, तो वहां के थे वो थे। उन्होंने ये फिर उन्होंने उसमें लिखा है उस एपिसोड में। थोड़ी देर बाद संध्या हुई, ब्राह्म भक्तों में से कोई श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। उनको पूछ रहे हैं कि संध्या हो रही, हो सकता है आप संध्या करेंगे, क्योंकि ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण तो, एंड पूजा करते थे काली माता का। आप ब्राह्म भक्त तो ये सब चीज नहीं करते थे उपचार, इसलिए पूछ रहे हैं शायद कि शायद अब अभी संध्या करेंगे, संध्या हो रहा है। अब ठाकुर उसपे उत्तर दे रहे हैं श्री रामकृष्ण जी, नहीं ऐसा नहीं है। वो उत्तर दे रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब पहले पहले एक एक बार कर लेना पड़ता है। फिर पाद अर्ध पात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती। बिल्कुल जब उनको ज्ञान हो गया अंदर से, तो वो ये उपचार से भी बाहर निकल गए कि ये सब अब कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल तो बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा ये जो इसके साथ जोड़ के मैंने थोड़ा सा इस इसमें पर। जो आपने भी बोला वो शायद पिछले एपिसोड में कई बार दोहराया गया है कि जी ईश्वरी गुरु के रूप हमारे भीतर रहता है, जो आत्मा है, और जी जब हम लोग चाहते हैं कि गुरु को बाहर किसी फिजिकल फॉर्म में देखना, जी तो जी ईश्वर ही सच्चिदानंद ही रूप लेके आते हैं। ये इंसान की इच्छा है, इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में,
एंथ्रोपोज एक चीज होती है और मॉर्फी एक चीज होता है, जी माने जी ईश्वर और मनुष्य के देह, मनुष्य देह में देखना, मनुष्य के रूप में देखना। तो जब हम लोग मनुष्य के देह में, मनुष्य के रूप में ईश्वर को देखना चाहते हैं, जैसे कि शिव की आकृति, कृष्ण की आकृति देखते हैं, तो ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जब हमारे भीतर आता है, तो हम लोग वो ईश्वर जब भी आपको जरूरत होगी गुरु के रूप में आ जाएगा। मेरे जीवन में तो ऐसा ही हुआ है, मुझे संस्कृत आगम के गुरु चाहिए थे, ईश्वर वो रूप लेके आ गया उसी वक्त, उससे पहले तक मैं जानता रहेगा। और जो बेस्ट थे पूरी पृथ्वी पर, तो सच्चिदानंद ही गुरु लेकर आते हैं, रूप लेकर आते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा, गुरु एक और ये द्वैतवाद आ जाएगा, फिर सिद्धांत जी शैव दर्शन द्वैत आ जाएगा ना, अद्वैत है, जी अद्वैत अद्वैत सिद्धांत है, ईश्वर ही गुरु का रूप लेके आ रहा है, ईश्वर ही अभी आपको देख रहा है, ईश्वर ही अभी मुझे सुन रहा है, ईश्वर ही बोल रहा है। बोल रहा है। लेकिन इस स्थिति में आने से पहले, श्रुति में आने से पहले, हम लोग को शब्द को समझ लेना चाहिए, तभी हम लोग श्रुति तक आ पाए। जी बहुत बहुत सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। आज के एपिसोड को यहाँ विराम देते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आप लोगों से।